ठीक है, जिगजैग पैराबॉलिक मैंने अप्लाई किया है, तो जिगजैग पैराबॉलिक को देखते हुए यहाँ से मैं डाउन के लिए ट्रेड लगाऊंगा और हमारा टेक प्रॉफिट, ठीक है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ये मेरा ऑलरेडी सेट है। ठीक है, देखो मैंने 10% यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है। ठीक है, ट्रेडर्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पे। और ट्रेडर्स आज वाले वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन ट्रेडर्स के लिए जिनको स्विच करना है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे, या फिर जो चाहते हैं कि भाई हमने बाइनरी पे भी कमा लिया, अब हमको जाना है इंडियन स्टॉक पे। ठीक है ना, तो आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो प्लीज सो जो लोग भी न्यू हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आएगा उसे प्रेस करके ऑल पे जरूर करना, ताकि जब भी हम वीडियोज डालें बाइनरी या फिर इंडियन स्टॉक के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो अगेन एंड अगेन अपन आज फिर से हमारी एक और न्यू नॉलेजेबल वीडियोस पे बात करने जा रहे हैं गाइस, कुछ हमारे ओलम ट्रेड के अपडेट के बारे में। ओके, सो यहाँ पे गाइस अपस्टॉक के बारे में भी अपन कुछ बात करेंगे। ओके, जिन भी लोगों का अपस्टॉक पे अकाउंट नहीं बना है तो मैं बता दूं गाइस, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि अपस्टॉक पे अकाउंट ओपनिंग फी आप लोग को 20 रुपीज लगती थी। ठीक है, तो वो अब बिल्कुल फ्री हो गया है। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है अपस्टॉक का, आप वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हो। हमने इसके रिगार्डिंग एक ग्रुप भी बनाया है अपस्टॉक के नाम से, अगर आप चाहे तो उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो गाइज ये ओनली इंट्रो वीडियो था अपस्टॉक पे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, देन अपन इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग के लिए वीडियो बना के लेके आ जाएंगे, जहां पे अपन अपस्टॉक के बारे में डेली नॉलेजेस और डेली आप लोग को अपस्टॉक के जो भी अपडेट्स रहेगी या फिर जो भी रहेगा वो आप लोग को बताएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से गाइस ओलम ट्रेड में जैसे कि अपने को यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिखता है। ओके, सो गाइस आप जब भी अपस्टॉक पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको बाय का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बाय का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि बाय कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इसको लॉट में बाय करना होता है, क्वांटिटी आपको सेट करनी पड़ती है कि कितना क्वांटिटी पे बाय करना है, कितना पे आपको सेल करना है। ओके, और यहाँ पे आप ओलम ट्रेड में जैसे कि आपको गाइस सिंपल से इसको चार्ट को एनालाइज करना रहता है। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, ईजी है बट सिंपल नहीं। ठीक है ना, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये इससे ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मिनट दो मिनट में प्रॉफिट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो सेम मेथड है गाइस बाय और सेल का, बट ये बात है कि हमारी इंडियन स्टॉक है और ये हमारा फॉरेक्स स्टॉक है जो कि हमारी आउट ऑफ इंडियन से है। ओके, अगर आप इस पर ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब कि आप इंडिया के बाहर ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इस पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इंडिया में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे गाइस, अगर आप लोग का कॉमेंट रहा तो आगे वाली वीडियो आप लोग को अपस्टॉक के बारे में आ जाएगी। ठीक है, बाकी अब अपन आ चुके गाइस हमारी ओलम ट्रेड के अकाउंट पे एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को एक फॉरेक्स का भी मिलता है क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि फॉरेक्स के बारे में बताओ। ओके, सो फॉरेक्स पे गाइस ऐसा है कि आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और टेक अ प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, ऐसा तो आप अपना डेली का सेट कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आप क्या है गाइस, यहाँ पे आप अपना सेट कर सकते हो स्टॉप लॉस और टेक अ प्रॉफिट। किस प्रकार से सेट करना है मैं यहाँ पे आपको बता दूं। यहाँ पे गाइस मैं $100 का ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, डाउन डायरेक्शन पे। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो मार्केट चार्ट आप हमेशा एक मिनट दो मिनट में सेट करके रखते हो उसको आपको गाइस 1 आवर से लेके 4 आवर्स तक में सेट करके रखना है, ताकि आप पूरे दिन का शेड्यूल आप चेक कर पाओ। ठीक है, जिगजैग पैराबॉलिक मैंने अप्लाई किया है, तो जिगजैग पैराबॉलिक को देखते हुए यहाँ से मैं डाउन के लिए ट्रेड लगाऊंगा और मेरा ऑटो क्लोज और हमारा टेक अ प्रॉफिट, ठीक है, स्टॉप लॉस टेक अ प्रॉफिट ये मेरा ऑलरेडी सेट है। ठीक है, देखो मैंने 10% यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने $100 का ट्रेड ओपन करा, अगर मेरे को अनफॉर्चुनेटली $10 लॉस चला गया तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ से जो ट्रेड्स थी वो क्लोज हो जाएगी। ओके, और जो टेक अ प्रॉफिट है वो मैंने सेट किया गाइस यहाँ पे 50%। ओके, सपोज अगर की मार्केट 50% गिर जाती है, मतलब यहाँ पे अपने को प्रॉफिट होगा अगर मार्केट गिरेगा तो। ठीक है, मार्केट अगर 50-70% तक गिर जाती है तो यहाँ पे ऑटो क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑटो स्टॉप लॉस है तो ये ऑटो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इसको अपन कर देते हैं यहाँ से अप्लाई और यहाँ पे अपन कर देते हैं डाउन। ठीक है, $100 का मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन की हुई है, इसे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ से की हुई है जिसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फॉरेक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और गाइस एक पोर्टफोलियो में मेरा चल रहा है अभी एडिडास का। ओके, एडिडास के ऊपर मैंने ट्रेडिंग की हुई थी जो कि अभी तक लगी हुई है, ये मैंने अपना यूरो अकाउंट से किया था जो कि मैंने अपनी बंद कर दिया। ओके, और यहाँ पे गाइस मैंने BMW पे सोल्ड आउट किया था। ठीक है, $1.1 का प्रॉफिट मैंने निकाला था। सो गाइस यहाँ पे मैंने BMW का किया होता कि इतना क्वांटिटी पे मैंने यहाँ पे 22 क्वांटिटी बाय किया था, यहाँ पे गाइस मैंने 10 क्वांटिटी बाय किया था, यहाँ पे भी मैंने 22.5 क्वांटिटी बाय किया था। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे अगर अपन प्रोडक्ट इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपन सिंपल करते हैं तो इसके बारे में अपन किसी और वीडियो पे बात करेंगे, सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ओलम ट्रेड के पोर्टफोलियो पे।
ओके, अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो फिर मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बना के ला दूंगा। बस आप लोग को कमेंट करना है कि भाई अपने को इसके ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, बाकी गाइज यहाँ पे कुछ गलती से ट्रेड्स लग गया है, शायद यहाँ पे सेशन चल रहा है लड़के लोग का, तो उन्होंने ये ट्रेड ले लिया होगा। ओके, बाकी अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज ये लड़के लोग इस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ठीक है अपन अभी इस पे बात कर रहे थे। ओके, बाकी गाइज आप लोग के बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर स्ट्रेटजी पे वीडियो लेके आओ, स्ट्रेटजी पे वीडियो लेके आओ। ठीक है, तो इस वीडियो पे जाके आपको सिंपली सा कॉमेंट करना है कि आपको किस स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था गाइस कि यहाँ पे ढेरों स्ट्रेटजीज आपको मिलेगी, ठीक है ना, बट आपको बताना है कि आपको किस पे चाहिए। और ये अनलॉक, तो ये गाइस ये अनलॉक तो मेरे में खुद पे है, जब ये अनलॉक हो जाएगा तो फिर अपन देखते हैं। यहाँ पे इसको बताया जा रहा है अनलॉक, देख लेते हैं कि अनलॉक कैसे होगा, अनलॉक स्ट्रेटजी। ओके, सो गाइस ये बाइंग सिस्टम है, अगर आप लोग बोलोगे तो अपन बाय करेंगे और नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। ओके, अपन इसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गाइस इचिमोको क्लाउड, ठीक है सिंपली से ये इचिमोको क्लाउड के ऊपर होने वाली है तो अपन इस पे बात नहीं करेंगे अभी। ओके, यहाँ से अपन निकलते हैं और स्ट्रेटजीज पे एक स्ट्रेटजी जो बहुत सारी आ रही थी गाइस वो थी हमारी, ठीक है, माउंटेन स्टीम। तो ये क्या है, किस प्रकार से वर्क करना है वो मैं आपको बता दूंगा, बस इस वीडियो पे आपको कमेंट करना है कि सर अपने को माउंट स्टीम के ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, बाकी गाइस इस वीडियो पे इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बस कमेंट करके बताना है कि गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो अपस्टॉक के ऊपर चाहिए या फिर ऑलमटेड की स्ट्रेटजी के ऊपर चाहिए। बाकी जिन भी लोगों को अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन करना है तो मैं बता दूं अभी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लग रहा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक का उपयोग कर सकते हो, वहां से अकाउंट बना सकते हो। आप लोग का जो 20 रुपीज लग रहा था ब्रोकरेज शेयरिंग वो नहीं लगेगा। ओके, बाकी गाइस इस वीडियो पे इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।